नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि विश्व। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके आरोप में मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बता दें कि उमर गौतम ने 3.5 दशक पहले 20 साल की उम्र में खुद भी धर्म परिवर्तन किया था। उन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाया था। धर्म परिवर्तन को लेकर अब एक और खुलासा हुआ है। लखनऊ एटीएस की कार्रवाई में गिरफ्तार उमर गौतम का नैनीताल कनेक्शन सामने आया है। एटीएस द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने खुद ये बात कबूली कि उसने 1984 में नैनीताल में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपनाया था। ये सुनने के बाद नैनीताल की सुरक्षा एजेंसियां हैरान रह गई। अब यहां की एजेंसियों ने मामले को उधम सिंह नगर रेफर कर दिया है। बता दें कि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि उमर गौतम जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में पढ़ा था। आगे की जांच में उसने बताया कि उसका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। धर्म परिवर्तन से पहले उसका नाम श्याम प्रताप गौतम था। हिंदुओं में वह जाति भेदभाव से वह बेहद आहत था। वह इस्लाम को नहीं जानता था। श्याम प्रताप सिंह गौतम अपनी शुरुआती पढ़ाई फतेहपुर में अपने गांव से करने के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद गए और उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए नैनीताल में दाखिला लिया और कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगे। बीएससी के फाइनल ईयर में उनके पैर में चोट लग गई, जिसके बाद उनके हॉस्टल के कमरे के पड़ोस में रहने वाले नासिर खान ने उनकी सेवा की। नासिर खान अपनी साइकिल से श्याम प्रताप गौतम को बैठाकर डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए ले जाया करते थे। इस तरह से उनके बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई। दोनों लोगों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और नासिर खान ने उन्हें तमाम इस्लामिक किताबें पढ़ने के लिए दी। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चला। इसी कड़ी में गौतम ने कुरान भी पढ़ी, जिसके बाद उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला किया। साल 1984 में नैनीताल में ही एमएससी की पढ़ाई करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया। धर्मांतरण करने के बाद श्याम प्रताप गौतम ने उन्होंने अपने कॉलेज और हॉस्टल में धर्म बदलने की बात को सार्वजनिक कर दिया। बाद में उमर गौतम ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से इस्लामिक स्टडी में एमए किया। यदि जाँच में सहयोग मांगा जाएगा तो किया जाएगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।